हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे असेंबलर के बारे में। तो आइए जानते हैं असेंबलर के बारे में। असेंबलर, जब कोई प्रोग्राम कंप्यूटर की मशीन लेवल लैंग्वेज के अतिरिक्त किसी अन्य लैंग्वेज में बनाया जाता है तो कंप्यूटर इसे समझ नहीं पाता, इसलिए इन प्रोग्राम को पहले मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना पड़ता है। ऐसे प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में परिवर्तित करते हैं उन्हें असेंबलर कहते हैं। जैसे कि यदि असेंबलर को एक ऐसे कंप्यूटर पर रन किया जाता है जिसके लिए यह ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न करता है तो इसे असेंबलर या फिर सेल्फ असेंबलर या रेसिडेंट असेंबलर कहा जाता है क्या कहलाता है। तो असेंबलर को ऐसे कंप्यूटर पर रन करना जिसके लिए यह ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न करता है तो इसे असेंबलर कहते हैं। अगर आपको सिंपल परिभाषा पूछे इसकी तो आप ऐसे बोल देना या ऐसे लिख लेना कि असेंबलर को ऐसे कंप्यूटर पर रन किया जाता है इसके लिए यह ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न करता है तो इसे असेंबलर कहते हैं या सेल्फ असेंबलर या रेसिडेंट असेंबलर कहते हैं। अब इसके आगे है कि सस्ते कंप्यूटर में प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उत्पन्न नहीं होते हैं। इससे सस्ते कंप्यूटर में प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपलब्ध नहीं होते हैं, ऐसी अवस्था में जब ऐसे सिचुएशन में जो प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए तेज और पावरफुल कंप्यूटर का जो यूज़ किया जाता है, अब तक इन डेवलपमेंट किए गए प्रोग्राम को छोटे छोटे कंप्यूटर पर रन किया जाता है। ऐसे प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए क्रॉस असेंबली की हेल्प से होती है। एक क्रॉस असेंबली वह असेंबल होता है जो जिससे अन्य कंप्यूटर पर रन किया जा सकता है। तब हमने जाना असेंबलर के बारे में। अब मैं आपको अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर भाषा से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।